राजस्थान की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित माता शाकंभरी जी का मंदिर दोस्तों मैं पहुंचा आज यहां पर। दोस्तों ये मंदिर स्थित है झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में। दोस्तों ये एक पूरा अरावली क्षेत्र है और ये जो दोस्तों मुख्य सड़क है यहां से 9 किलोमीटर अंदर पहाड़ों के बीच में स्थित संकराई गाँव। और इस संकराई गाँव में दोस्तों ये शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी। आप राजस्थान का उत्तराखंड देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस मंदिर को एक बार अवश्य विजिट कीजिए। और आप बारिश के समय आते हैं तो आपको दोस्तों एक खूबसूरत सा झरना और यहाँ का ठंडा वातावरण देखने को मिलता है। दोस्तों मैं इस मंदिर में पहुंचा दोस्तों, मुख्य सड़क है वहाँ से दोस्तों आपको बस छोड़ देती है और बस के बाद दोस्तों आपको लोकल रिक्शा टैक्सी मिल जाती है और वहाँ से आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर की भव्यता की मैं बात करता हूँ तो ये मंदिर कब बना था और इसका इतिहास क्या है, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैंने बात की यहाँ के मुख्य पुजारी जी से, साथ ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त की, तो इस वीडियो में पूरा बने रहे। आइए जानते हैं माता शाकंभरी का इतिहास। आपका नाम? मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी, हाँ जी। प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है माता जी को? प्रसाद में मैया के मेन जो प्रसाद है वो तो हलवा पूड़ी का लगता है वैसे, और श्रद्धालु जो भी आते हैं उनके मैया के लिए पूरा चुनरी वगैरह है, मैया का श्रृंगार है पूरा अपने पास टोटल, और मैया की जो दो ज्योति जलती है अखंड ज्योति उसके लिए घी तेल है नारियल है ये सब मिलता है। अच्छा, ज्योति जलती है अखंड या मंदिर में? हाँ हाँ बिल्कुल जलती है। किसकी, घी या तेल दोनों की जलती है? हाँ दोनों के दीपक जलता है, अखंड ज्योति का दो दीपक जलते हैं। आप कब से जलता है? मंदिर स्थापना हुआ जब से आज तक। और हलवा पूड़ी मतलब कहाँ आप रखते हो कि मंदिर के अंदर ही बनता है? नहीं मंदिर के अंदर ही, मंदिर में पीछे की साइड में आप जब परिक्रमा की तरफ जाओगे पीछे तो मैया का भंडारा चलता है, वहीं पे मैया का रसोड़ा है और उसी के अंदर प्रसाद तैयार होता है मैया का। और यहाँ मेला कब लगता है, नवरात्रि में लगता है? मेला मोस्टली यहाँ पे जैसे नवरात्रि आते हैं साल में 4 बार नवरात्रि आ जाते हैं और 2 नवरात्रि बड़े होते हैं उसमें ज़्यादातर भीड़ रहती है। बाकी यहाँ पे मौसम जो ठंडा रहता है सावन के दिनों में उसमें यहाँ काफ़ी क्राउड रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है सावन के अंदर, पूरे मंथली यहाँ चलता रहता है। तो सावन के समय यहाँ पे पहाड़ है तो पूरे झरने वगैरह भी चलते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल झरने चलते हैं और जो भी है घूमने वाले आसपास के लोग हैं जो तो बढ़िया श्रद्धालु आते हैं। अगर कोई बाहर से आता है या रात को रुकना चाहता है तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसके लिए यहाँ पे 8 से 10 धर्मशालाएँ हैं जो बढ़िया व्यवस्था उनके अंदर सब में एसी वगैरह नॉन एसी और काफ़ी रिजनेबल रेट में रूम अवेलेबल है यहाँ पे। खाने वगैरह की सारी होटल यहाँ पे? खाने के लिए यहाँ पे मैया का भंडारा चलता है जो सुबह मैया के भोग के 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और 2:30 बजे तक चलता है और शाम को मैया की शाम की जो आरती है उसके बाद स्टार्ट होता है 9:30 बजे तक चलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप भैया से सुन रहे हो कि यहाँ पे खाने पीने और रहने की सारी सुविधा यहाँ पे है और मेले की जानकारी भी आपको इन भैया ने दे दी है। शाकंभरी माता जी को अकाल की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान थे उस समय दोस्तों 100 साल का अकाल पड़ा था और इसी कारण दोस्तों इंद्र भगवान ने शाकंभरी माता की स्थापना की थी और उसी समय शाकंभरी माता का अवतार हुआ था। माता शाकंभरी को दुर्गा और लक्ष्मी दोनों का अवतार माना जाता है। यह मंदिर 300 साल पुराना है और किन किन समाज की कुल देवी है? ये खंडेला गए मतलब राजपूत थे ना राजा, उनको जाकर के उनकी कुल देवी है खंडेला के, उनके लिए जाकर 2 देवियाँ हैं, एक की ब्रह्माणी एक की रुद्राणी है। इस प्रकार से जाकर के सराय नाम का गांव है, शाकंभरी नाथ सराय से पड़ा है, वैसे खंडेला के नीचे है खंडेला दरबार के साथ ही दस होते हैं। 300 साल पुराना मंदिर है और खंडेला की आस पास के सभी कुल देवी हैं उनकी सारी। तो ये मंदिर की स्थापना मतलब शासक ने करवाई थी कि अपना प्रकट हुए माता जी? नहीं नहीं, अब मूर्तियाँ वैसे स्थापित की हुई स्थापित की हुई मूर्तियाँ। पहले यहाँ पे कोई कुंड थे बोलते हैं, अभी कुंड वहाँ पे स्थापित है? पहले यहाँ पे कुंड थे तो अभी कुंड है यहाँ पे? कुंड है ना, पीछे कुंड बने, ये इधर से बंद हो गए और एक कुंड लगा जाना चाहो तो पीछे कुंड है, फिर तो 3-4 कुंड है जाना चाहो तो, एक तो नाग कुंड है, एक पोक कुंड है, एक फिर उसके बाद सफेद कुंड है, उसके पास एक और है मतलब कुंडी कुंड है, 4 कुंड ये बंद हो गए। यहाँ जो 3 कुंड थे ना इनको बंद कर दिया। तो मुख्य कुंड जो बंद हो गया अभी? मुख्य सारे बंद हो गए, वो तो पर्सनल है, वो जो है ना वो पर्सनल सारे के सारे। तो मतलब बंद क्यों हो गया, मतलब यहाँ पे क्या कारण रहा था? बंद तो है तो छोटा टावर पड़ रहा है रावण की खतरे के लिए बंद कर दिया। बच्चे आते हैं यात्रियों के साथ में, लापरवाही हो जाए कोई पड़ जाए गिर जाए जयराम जी की हो जाए, इस कारण से बंद किया। ठीक है स्वामी जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।
बोलो शाकंभरी माता की जय। तो दोस्तों शाकंभरी के मैं दोस्तों यहाँ पर भंडारा चलता है, वहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ भंडारे की व्यवस्था है, और जो भंडारा संचालक है उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। भैया जी आपका नाम? कमलेश कुमार गुजर है। हाँ जी, और ये भंडारा है जो फ्री होता है माई का, जो इसमें सुबह और शाम का जो टाइम है इसमें 11 बजे से लेके और 2 बजे तक तो सुबह का, और शाम को 7 से 9 का है आरती के बाद। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं है। और यहाँ पे यात्रियों के लिए ठहरने की भी सुविधा है, मतलब ये प्राइवेट धर्मशाला भी है और सरकारी भी है, दोनों है उसमें। और थोड़ा मतलब और रहने सहने की ये पूरी सुविधा है, और भी मतलब जो भी, और जो प्रसाद बनवाते हैं कढ़ाई का जैसे, वो भी पूरी सुविधा है, और रहने पीने की पूरी है। तो प्रसाद ये 12 महीने चलता है यहाँ पे? हाँ, छठ पर्व मनाते हैं। भंडारे को हो गया 7 साल हो गया चलते हुए, और जो एक ही आदमी चला रहा है प्रेमचंद जी गुप्ता हैं, जो दिल्ली के हैं, वो इसका पूरा चार्ज उठा रहे हैं। और ये जो धर्मशाला है यहाँ पे रुकने का चार्ज है वो भी फ्री है? वो भी चार्ज मतलब जो मंदिर की है उनका वो तो है फ्री, और जो बाहर जो प्राइवेट है उन भी चार्ज होता है। हाँ, यहाँ पे मेला कब लगता है शाकंभरी माता? मेला लगता है जो नवरात्रों में लगता है, जो दो मेले पड़ते हैं, आसोज और वो एक और होता है, उसको मेरे शायद याद नहीं है अच्छी से। ये दो मेले होते हैं, उसमें काफ़ी भीड़ भी होती है। और भंडारे में खाने में क्या क्या मिलता है? भंडारे में ये जो चपाती होती है और राइस होते हैं और दाल और आलू की सब्जी होती है और हलवा होता है और पूड़ी भी होती है, ये होता है। तो आप खाना बनाने का काम करते हो? हाँ, खाना बनाने का जो हमारा परोसने का जो बनाने वाले अलग है, और परोसने वाले हम 3-4 लोग हैं अंदर, वो परोसते हैं, हमारा काम है परोसने का। और माता जी के बारे में बताइए, माता जी का मंदिर? माता जी का यानी कि ये काफ़ी साल पुराना है, जो बुजुर्ग बताते हैं कि 5-7 हज़ारों साल पुराना है, मतलब जो लोहार कल का जो मंदिर है उस टाइम का, ये भी जो कौरव पांडव है उसी टाइम का ये है, जो लोहार घर बना है उसी टाइम से ये है। और माता यहाँ पे बताते हैं कि बुजुर्ग ये जो अकाल के टाइम पे प्रकट हुई थी यहाँ पे, और प्रकट हुई हुई है ये। तो दोस्तों ये था माता शाकंभरी का इतिहास और यहाँ के स्थान के बारे में जानकारी। दोस्तों यहाँ पर एक 72 कोस परिक्रमा लगती है, उसकी क्या मान्यता है आइए हम जानते हैं। भी श्रद्धालु इधर से ही जाते हैं शाकंभरी होते, शाकंभरी होने के बाद जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 72 किलोमीटर परिक्रमा लगती है? हाँ, 72 किलोमीटर परिक्रमा लगती है, उसमें से एक ये शाकंभरी भी इंक्लूड है उसमें परिक्रमा। पैदल लगती है पूरी परिक्रमा? हाँ, पैदल लगती है। हर साल लगती है कि हमारे? हाँ, वो भादो महीने में लगती है, सावन के बाद में। अच्छा, भादो के महीने में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। सागर राजपुर यूट्यूबर, ठीक है सबका ले लें। तो दोस्तों ये था माता शाकंभरी का मंदिर, और मिलते हैं दोस्तों हम आपको एक और नई वीडियो और एक और नई जानकारी के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय माँ शाकंभरी जरूर लिखें।